दोस्तों चलिए जानते हैं आज की वीडियो हम लोग 7 ऐसी बिलियनर्स की हैबिट्स दोस्तों, जिससे कि जो है वो बिलियनर बने दोस्तों, जो कि आपके बिजनेस में भी आपको जो है बहुत काम आएगी, जिसमें कि बहुत सारी स्ट्रेटेजी, जैसे कि 7 स्ट्रेटेजी आज की वीडियो हम लोग समझने वाले हैं। दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। इन 4 बिलियनरों की स्ट्रेटेजी कौन से, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और रिचर्ड ब्रांसन और दोस्तों जो है वॉरेन बफेट, इन 5 लोगों की जो है हम लोग जो है लाइफ से जो है ये 7 जो है स्ट्रेटेजी लाए हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मेरा नाम है वान और मैं हूँ 8 साल का। दोस्तों पहला पॉइंट है डोंट वेट, दे एक्ट। एक्ट का मतलब क्या हुआ, एक्शन चेंजेस थिंग्स। दोस्तों आप पहले मतलब धीरे धीरे एक्ट करो, बड़ा सपना पर उसमें छोटे छोटे एक्शन, ठीक है, जिससे कि आपका जो मतलब, जैसे कि आपको फॉर एन एग्जांपल कि आपको 1 ट्रिलियन तक पहुँचना है, तो पहले सोचो कि मैं 100 बिलियन कैसे पहुँचूँगा, उसके बाद 200 बिलियन, 300 बिलियन, 400 बिलियन। तो स्टेप बाय स्टेप, बड़ा ड्रीम पर छोटे छोटे स्टेप, जो कि आपको बाद में जाकर भी एक जैसे जैसे स्टेप बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका बैकबोन भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप एक बार डूब गए तो आपके पास बैकबोन नहीं है, आप बढ़ो पर बैकबोन भी रखो अपने साथ। और दोस्तों एक्शन चेंजेस थिंग्स में जो है आप जो धीरू भाई अंबानी सर जो है उनका देख लो, कि उन्होंने जो है पहले टेक्सटाइल मिल चालू करी, उन्होंने ये नहीं सोचा बाद में क्या, बाद में देखेंगे क्या होगा, ठीक है। दोस्तों पहले उन्होंने एक्शन जो है लेना चालू कर दिया, एक्शन लेना चालू कर दिया, जिस वजह से जो है उनका जो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि कैसे करना है, फिर उसके बाद जो है वो अभी इतने बड़े जाने माने बिजनेसमैन है, ठीक है। दोस्तों तो ये हमने पहले समझ लिया, दे डोंट वेट, दे एक्ट, एक्शन चेंजेस थिंग्स, ठीक है। दोस्तों इसके दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है लेज़र शार्प फोकस। दोस्तों लेज़र शार्प में इतना ज़्यादा दम रहता है, इतना ज़्यादा पावर रहती है, एक पॉइंट इतना रहता है कि वो कैंसर में भी छेद कर देता है दोस्तों, क्योंकि जो है वैसे ही कुछ है इलॉन मस्क इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कि इलॉन मस्क क्या करते हैं, इलॉन मस्क जब बचपन में रहते थे, जब कुछ सोचते रहते थे, उनके पापा मम्मी बोलते थे इलॉन, फिर उसको सुनते ही नहीं थे। और दोस्तों फिर उसके बाद उनका कान का ऑपरेशन भी हुआ बचपन में, फिर भी उनको सुनाई नहीं थे, फिर बाद में जाकर उनको समझ आया कि वो लेज़र शार्प फोकस में रहते थे। जब भी कुछ सोचते थे जब लेज़र शार्प फोकस में, चाहे कितना भी झगड़ा कर लो, चाहे कितना भी चला लो, उनको कुछ पता नहीं चलेगा, अपना बस उसमें। और दोस्तों इतना घुस जाते वो अंदर, इतना ज़्यादा घुस जाते वो अंदर कि जूम आउट भी कर देखते, जूम इन भी कर देखते, डिटेल में भी जाते, प्रिंसिपल में भी जाते। दोस्तों जो है ये चीज़ जो है वो करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, तीसरा पॉइंट, टाइम ब्लॉकिंग। दोस्तों टाइम ब्लॉकिंग जो है, आपको जो है अपना टाइम ब्लॉक कर देना है, कि जैसे कि इतने 5-5 मिनट के स्केड्यूल बना रखे किसने, इलॉन मस्क ने। पहले तो 5 मिनट में मीटिंग, 5 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद 5 मिनट मीटिंग, फिर उसके बाद 5 मिनट रिव्यू, 5 मिनट ये, 5 मिनट वो, ठीक है। तो ये 5-5 मिनट के जो है इन्होंने जो एक टाइम ब्लॉकिंग बना रखा है, आप कितने भी मिनट का कर सकते हैं, 1 घंटे के भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको जो टाइम ब्लॉकिंग करना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, डे थीमिंग भी होता है, कि इस डे को ये करूँगा, मंडे को रिव्यू करूँगा, ट्यूसडे को बस सर्च करूँगा, वेनसडे को ये करूँगा। तो ऐसे सब जो है आप बना सकते हैं, डे थीमिंग। फिर उसके टाइम बॉक्सिंग आता है। टाइम बॉक्सिंग कैसा है कि नंबर लिखो, उसको डब्बा बना के क्लोज कर दो, उतने में होना चाहिए, 6 से 7 बजे रिव्यू ख़त्म, वो बॉक्स बना दो, उतने में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया टाइम ब्लॉकिंग। फिर उसके बाद फोर्थ चीज़ क्या है दोस्तों, फोर्थ चीज़ है टाइम का वैल्यू करना चाहिए, वैल्यू ऑफ टाइम एंड मनी, ठीक है दोस्तों। तो वैल्यू ऑफ मनी में क्या हो जाता है दोस्तों, एक बार क्या हुआ था कि अंबानी सर की जो बेटी है वो एक बार लंदन गई थी, तो उधर जो है बैठी थी, तो उनको जो है किसी ने परेशान कर दिया, तो उन्होंने बोला कि मतलब उनको बहुत अहंकार आ गया था कि अंबानी की बेटी, तो इस वजह से जो है क्या हुआ था, अंबानी सर को वो चीज़ पता चल गई और उन्होंने अपना जो है प्राइवेट जेट भेजा नहीं, बोला जो तुम्हारे पास पैसे दिए थे उसी से जो है आओ। तो उनके पास बिजनेस क्लास की टिकट नहीं बची, उनके पास बची कितना, इकोनॉमिक क्लास की दोस्तों। तो मुकेश अंबानी बोलते हैं हमें जो है एक
वैल्यू ऑफ मनी सिखानी है, वैल्यू ऑफ वैल्यू सिखानी है, फिर उसके बाद जो है ऐसे ही सब जो है एग्जांपल से, जैसे कि आप मान लो कि वॉरेन बफेट का, सॉरी बिल गेट्स का, तो बिल गेट्स का अगर आप देखो तो जो बिल गेट्स की जो बेटी है वो एक बार एक रेस्टोरेंट में गई थी और उन्होंने जो $500 की टिप देकर आ गई, और दोस्तों उधर जो है उधर बिल गेट्स गए और बिल गेट्स ने $5 की टिप दी। और दोस्तों एक सर्वे भी हुआ था कि उसमें क्या सब हुआ था कि सर्वे में उनके नेटवर्थ सब जो है पर डे पर सेकेंड नेटवर्थ के हिसाब से अगर उनके हाथ में से $50,000 मतलब कि समझ लो कम से कम 36 लाख, ठीक है, तो वो अगर नीचे गिर जाए तो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, वो सोचेंगे गिरने दो इतना पैसा तो मैं बिना झुके ही कमा लूँगा, ठीक है। पर दोस्तों जो मैंने अभी आपको रेस्टोरेंट का बताया उसके बाद था दोस्तों, ठीक है, तो इससे पता चलता है ज़्यादातर बिलीनियर्स में जो है क्या चीज़ रहती है, वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है दोस्तों। तो क्या पांचवी चीज़ कौन सी, पांचवी चीज़ है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। दोस्तों रिस्क टेकिंग एबिलिटी में क्या आ जाता है हमारा कि रिस्क चाहिए, करेज, करेज चाहिए, कर्ज नहीं, लोन नहीं बोल रहा मैं, करेज चाहिए दोस्तों हर चीज़ को करने के लिए जो है, एक रिस्क चाहिए। जैसे कि KFC के जो थे जो ओनर है उन्होंने उन्होंने 65 की एज में जो है KFC चालू करा, उन्होंने इतना ज़्यादा जो है काम करा, इतना ज़्यादा काम करा, इतने ज़्यादा रिस्क लिए, जब जाकर इतनी बड़ी कंपनी बनाई उन्होंने KFC, तो इसके बाद इलॉन मस्क को रिस्क के राजा है दोस्तों। एक बार क्या हुआ था उनके साथ कि एक बार उनके पास दो प्रोजेक्ट्स थे, कितने कौन से SpaceX और टेस्ला, और उनके पास बस बचे थे $40 मिलियन। और दोस्तों वो तो बहुत कम रहता है, आपको लग रहा होगा वो कितना बड़ा रहता है, पर उनके लिए जो है कम रहता है क्योंकि इतने दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कैसे संभाले। तो उन्होंने सोचा कि $40 मिलियन में डालेंगे तो दूसरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, और अगर दूसरी कंपनी में $40 मिलियन तो दूसरी कंपनी बर्बाद हो, और अगर दोनों में डालेंगे तो दोनों बर्बाद हो जाएंगी। पर भी उन्होंने जो है दोनों में डाला, और दोस्तों जो है रिस्क लेकर जो है उन्होंने दोनों कंपनीज जो है हटाई दोस्तों। तो ये हमने समझ लिया पांचवा पॉइंट। और दोस्तों सिक्स्थ पॉइंट है डिसिप्लिन रखना चाहिए हमें हेल्थ और फिटनेस के बारे में दोस्तों, और माइंड के बारे में भी जो है डिसिप्लिन जो है हमें रखना चाहिए दोस्तों। क्या क्या चीज़, जैसे कि जो है जेफ बेजोस जो है हमेशा सुबह उठकर 5 बजे उठकर जो है एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस करते हैं दोस्तों, अपना ट्रेनर जो रहता है उनको लेकर जो है फ्लाइट्स में जाते हैं। और दोस्तों जो है मार्क जुकरबर्ग का देखे तो वो जो है दिन भर जो है कुछ स्मूदीज पीते रहते हैं। फिर उसके बाद वॉरेन बफेट देखे तो वॉरेन बफेट थोड़ा लाइट वर्कआउट करते हैं क्योंकि उनकी एज भी 91 हो चुकी है दोस्तों, फिर भी वो वर्कआउट करते हैं और इतने फिट है दोस्तों, इससे पता चलता है। और दोस्तों इसके बाद बिल गेट्स जो ऑफिस से जब आते थे, जब वो सीधा घर नहीं जाते, वो एक गेम होता है उधर का, वो खेल कर जाते थे, माइंड गेम खेल कर जाते थे। तो दोस्तों जो है इससे समझ आता है कि डिसिप्लिन जो है हेल्थ और फिटनेस में रखना चाहिए। जैसे कि अगर कोई गाड़ी है उसको पड़े रखो तो ख़राब हो जाएगी, वॉच पड़े रखो तो ख़राब हो जाएगी, और अगर वैसे ही माइंड और अपना शरीर ख़राब रखो तो वो भी ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए जो हेल्थ और फिटनेस जरूरी है। इसके बाद सेवन चीज़ कौन सी, सेल्फ लर्निंग, ये सबसे जरूरी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लर्निंग नहीं कर पाते कि हाँ मेरे को तो बहुत मालूम है मैं तो इतना बड़ा हूँ, नहीं दोस्तों आपको जो है हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे कि ये लोग जो है बड़े बड़े बिलीनियर्स लोग जो है बुक्स भी पढ़ते हैं। और दोस्तों जो वॉरेन बफेट जो पूरा मतलब पढ़ लेते हैं, पूरा मन में छाप लेते हैं, पूरा न्यूज़पेपर छाप कर, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वॉशिंगटन टाइम्स हो गया, और कोई भी आपका बड़ा बड़ा इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, USA टाइम्स हो गए, सारे बड़े बड़े अखबार जो है उधर के पढ़ लेते, 500 पेज एक दिन में पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, जबकि उनकी एज भी 91 हो चुकी है दोस्तों। और दोस्तों जो इलॉन मस्क भी पढ़ते, इलॉन मस्क एक महीने में ट्राई करते हैं 10 बुक पढ़े, और दोस्तों जो है जेफ बेजोस भी पढ़ते हैं, एक वीक में एक बुक पढ़ना चाहते हैं, और दोस्तों जैक मा भी एक बुक एक दिन में ख़त्म करना चाहते हैं दोस्तों। तो ये सब जो है ये सब चीज़ 7 ऐसी चीज़ें जो कि आपके जो है दिमाग और दोस्तों जो है आपके बिजनेस को भी जो है बढ़ाएगी दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसे लगा बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।